अस्सलामुअलैकुम। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? कायनात का सबसे पुरस्टार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। कायनात का 95% हिस्सा इन दोनों से बना हुआ है, जो कि कायनात हमें दिखाई दे रही है, जिसमें सूरज, सितारे और अरबों खरबों के कशाएँ हैं, वो सब फ़कत 5% हैं। ये ना नज़र आने वाली पुरस्टार ताकत अभी तक इंसान के लिए एक मोम्बा है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की कितनी ताकत है और क्या कुछ ये कर सकता है, ये इंसान की सोच से भी परे की बात है। लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब इंसान इस ताकत को समझने के काबिल होगा, तब ये इंसान और दुनिया के लिए अच्छा होगा। ये एक भयानक तजर्बा कोई नहीं जानता। जब हम अपनी कायनात को देखते हैं तो हमें परफेक्टली काम करते हुए नज़र आती है। सितारों का बिना गैलेक्सीज के फॉर्मेशन, ब्लैक होल्स और मादे की हर सूरत है, इस कायनात ने एक मकसद के तहत काम कर रही है। मादे के अलावा इस कायनात में मौजूद चार बुनियादी कुवतें, ग्रेविटेशनल की फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रिंग न्यूक्लियर फोर्सेस, वैक्लियर न्यूक्लियर फोर्सेस भी अपना किरदार बखूबी निभा रही हैं। मगर हमारी कायनात के इस वजूद में सिर्फ ये जहरी चीज़ें ही नहीं मौजूद, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे हम वाकिफ ही नहीं। मगर हमारी उनसे वाकफियत ना होने का मतलब ये नहीं कि ये कायनात पर असरअंदाज ही नहीं हो रही। आपको जान के हैरत होगी कि इन गैर मामूली चीज़ों की वजह से ही ये कायनात अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। जितनी कायनात अभी तक डिस्कवर की गई है, उसमें से मौजूद तमाम मादे की मकदार का सिर्फ 5%, जिसमें मादा और हाइड्रोजन गैस भी शामिल हैं, जिस कायनात में खिला बिखरी हुई है। बाकी 95% हिस्सा वो है जिसे हम रोज़मर्रा में मुशाहदा नहीं कर पाते, जिनके बारे में हम कम जान पाए हैं। आम मादे के बरक्स तारीख मादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंट्रैक्शन नहीं करता। इसका मतलब है कि ये रोशनी को जज्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता या खारिज नहीं करता, जिसकी वजह से इसका पता लगाना इंतहाई मुश्किल है। दर हकीकत मुहक्किकीन सिर्फ कश्व शक्ल से असरअंदाज ही तारीख मादे की वजूहात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे मालूम होता है कि ये मरई मादा वजूद रखता है। आम मादे को हम काफ़ी हद तक समझने में कामयाब हो चुके हैं कि वो कैसे काम करता है और कौन से कवानीन को फॉलो करता है, जबकि 95% नामालूम हिस्से के बारे में हम कम जान पाए हैं। ये हिस्सा दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक डार्क मैटर और दूसरा डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी इस कायनात के 59% हिस्से पर काबिज़ है और 26% पे डार्क मैटर मौजूद है। नाज़रीन, डार्क मैटर के बारे में हमें इस बात से अंदाज़ा होता है कि एस्ट्रोनॉट मेरा रब ने एक टेक्निकल डेवलप की, जिसकी मदद से स्पाइरल्स गैलेक्सी में मौजूद सितारों की रोटेशन वाली कैलकुलेशन की जा सकती थी। इसके लिए उसने गैलेक्सी में मौजूद तमाम मादे, गैस, धूल, सितारे की मदद से कैलकुलेट किया तो गैलेक्सी के बैरूनी हिस्से में मौजूद सितारों की वेलोसिटी दूर के एतबार से कम होती है। तो नाज़रीन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।